नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मैनपुरी में तेज रफ्तार रोडवेज बस हुई बेकाबू, रोडवेज बस ने टेम्पो और ई रिक्शा को रौंदा। दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में इमरजेंसी पहुंचाया। दो लोगों की हालत नाजुक देखते हुए किया गया सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर। थाना भोगाम क्षेत्र के जीटी रोड गंगा ढाबा के पास की घटना, देखिए अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। जयपाल, कहाँ के रहने वाले हो? नरसिंहपुर। अच्छा, आज जिला अस्पताल आए, क्या है मामला? सर, मैं टिरी चला रहा था अपनी, तो ऑटो वाले ने ओवरटेक किया हमारी टिरी, तो आगे जाके रोडवेज वाले से उसने मारा कट। रोडवेज वाले बचा नहीं पाई, तो वो एकदम ऑटो जो था, वो टेम्पो था, वो मेरी टिरी के ऊपर गिरा, ने उसकी टक्कर लगी आपस में। सामने रोडवेज और ऑटो सामने हमने सामने तो टक्कर हुई, तो मेरी जो टिरी थी उस पर जो आके गिरी आ रहा, तो मैं चला। अच्छा, कितने लोग उसमें घायल रहे होंगे? कितने लोग सवार थे आपकी टिरी में? हमारी टिरी में केवल दो ही लोग थे। और टेम्पो में? टेम्पो पूरा भरा हुआ था। कहाँ की घटना है ये? जे गंगा ढाबा भोगा। क्या नाम है सर आपका? उदय प्रताप सिंह। अच्छा, क्या कैसे कोई? एक एक्सीडेंट का मामला आया था, कितने लोग घायल थे, कितने लोग की कैजुअल्टी हुई है? इसमें पांच लोग आए थे, इसमें एक मृतक हो गया है जिसका नाम है प्रेम सागर, और बकाया चार लोग घायल हैं, जिसमें दो लोग जो है सैफई रेफर कर दिए गए हैं, जिनकी स्थिति थोड़ी गंभीर थी। थाना भोगांव के जीटी रोड के पास, जो गंगा ढाबा के पास, सुबह करीब 9:30 बजे एक रोडवेज बस जो फरुखाबाद से आगरा जा रही थी, उसने एक ऑटो रिक्शा में और एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें उसमें करीब 10 सवारियां थी जो घायल हो गए। उसमें एक जो प्रेम सागर फरुखाबाद का रहने वाला है उसको अस्पताल लाया गया, जिसकी मृत्यु हो गई है। दो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, और 7 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जो बस है जिसने टक्कर मारी थी उसको और उसके ड्राइवर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।